क्लास फाइव का सोशल स्टडीज़ का ये चैप्टर सिक्स है ग्रीनलैंड। किसी बुक में कुछ और चैप्टर नंबर भी दिया हो सकता है किसी में सेवन हो, किसी में एट हो। इसको हम लोग द लैंड ऑफ द आइस एंड स्नो भी कहते हैं, या फिर द लैंड ऑफ द टुंड्रा रीजन। तो टुंड्रा जब एक वर्ड आता है तो टुंड्रा मीन्स होता क्या है? तो टुंड्रा मीन्स होता है, इफ़ यू से दैट टुंड्रा इज ए वास्ट ट्रीलेस आर्कटिक रीजन वेयर द सब सॉइल इज फ्रोजन। कि टुंड्रा इज ए वास्ट ट्रीलेस आर्कटिक रीजन, ट्रीलेस जहाँ आर्कटिक रीजन, जैसे आर्कटिक रीजन्स का इफ़ यू सी दिस मैप दिस वन, सो आर्कटिक रीजन दिस इज द आर्कटिक रीजन, दिस हेयर इज द 66 एंड हाफ डिग्री नॉर्थ टू 90 डिग्री, दिस एरियाज इज नोन एज द आर्कटिक ओशियन, दिस एरिया इज नोन एज द आर्कटिक ओशियन, दिस एरिया नोन एज द, सो हेयर इज द क्वेश्चन वेयर इज द ग्रीनलैंड। सो ग्रीनलैंड इज ऑल्सो नोन एज द लैंड ऑफ द टुंड्रा रीजन और द इट इज आइस एंड स्नो। तो इफ़ यू सी द मैप ऑफ द नॉर्थ अमेरिका, इफ लुक एट हेयर इट इज द, इफ यू लुक हेयर दिस इज नॉर्थ अमेरिका, दिस इज साउथ अमेरिका, दिस इज कॉन्टिनेंट अनदर कॉन्टिनेंट। इफ़ यू लुक एट द अनदर मैप, इफ़ यू विजिबल दिस वन, हेयर इज द ग्रीनलैंड। सो लुक एट द ग्रीनलैंड, वेयर इज द ग्रीनलैंड, इट इज़ द 66 डिग्री एंड हाफ एंड 66 डिग्री हाफ एंड डिग्री नॉर्थ टू 90 डिग्री, दिस एरिया इज नोन एज द आर्कटिक रीजन एंड इट इज़ नोन एज द मेनी नेम, मीन्स ग्रीनलैंड इज नोन एज द मेनी नेम सच एज फ्रीज जोन, इट इज ग्रीनलैंड इज ऑल्सो नोन एज द फ्रीज जोन, पोलर ऑल्सो नोन एज द पोलर रीजन, बट हु गेव द ग्रीनलैंड? सो ग्रीनलैंड इज द गिवन नेम गिवन बाई द फॉरेनर्स एंड इट इज़ द टेरेटरी ऑफ द डेनमार्क, मीन्स इट इज़ कंट्रोल्ड अंडर द डेनमार्क, डेनमार्क का ये क्षेत्र है एंड लाइज इन दिस रीजन। लोकेशन वेयर इज द, तो इट इज़ द नॉर्थ ऑफ द आर्कटिक सर्किल, इट इज़ लोकेशन एंड नियरेस्ट कॉन्टिनेंट टू द ग्रीनलैंड इज़ द नॉर्थ अमेरिका। अगर इसका नियरेस्ट कॉन्टिनेंट देखेंगे तो इसका जो देखिए ये नॉर्थ अमेरिका है, ये साउथ अमेरिका है, यहाँ पर ये अफ्रीका है, यहाँ पर एशिया देख रहे हैं, यूरोप देख रहे हैं, सो दीज आर द कॉन्टिनेंट, अंटार्कटिक कॉन्टिनेंट जैसे है यहाँ पर, तो यहाँ पर जो नॉर्थ अमेरिका है दिस इज द नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट, इट इज़ द नियरेस्ट वन एंड टूअर्ड द नॉर्थ इज ग्रीनलैंड, इज द ग्रीनलैंड इज द मीन्स द 655 किलोमीटर अवे फ्रॉम द नॉर्थ पोल। यहाँ से अगर नॉर्थ पोल देखेंगे तो यहाँ से डिस्टेंस है, इफ़ यू सी दिस वन हेयर टू द नॉर्थ पोल 90 डिग्री नॉर्थ पोल, तो इट इज़ द टोटल डिस्टेंस इज द 650 किलोमीटर अवे फ्रॉम द नॉर्थन। इफ यू लुक एट द अनदर मैप, सो लुक एट देयर मीन्स इफ यू अंडरस्टैंड ऑब्जर्व क्लियरली, इफ़ यू ऑब्जर्व क्लियरली, सो कनाडा और बिटवीन द ग्रीनलैंड देयर इज द बैफिन मैप, बैफिन मैप एंड द डेविस स्ट्रेट, मीन्स डेविस स्ट्रेट खाड़ी, डेविस खाड़ी सेपरेटेड ग्रीनलैंड फ्रॉम द नॉर्थ नॉर्दर्न आइलैंड ऑफ द कनाडा, मीन्स जो ये दो है बेफिन वे एंड नॉर्थ रिटर्न इन द हेयर इज द डेविस स्ट्रेट इज सेपरेटेड ग्रीनलैंड, सेपरेटेड ग्रीनलैंड फ्रॉम द नॉर्थ ईस्ट आइलैंड ऑफ द कनाडा। सी आई थिंक यू अंडरस्टैंड ऑब्जर्व क्लियरली, नाउ कम टू हेयर इज द, हेयर इज द वर्ड, सो ग्रीनलैंड इज द लार्जेस्ट आइलैंड इन द वर्ल्ड डैट इज नॉट ए कॉन्टिनेंट, कि दुनिया का सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट है ये वर्ल्ड का सबसे बड़ा आइलैंड है, ये कॉन्टिनेंट नहीं है। नाउ लुक एट द, इट्स कैपिटल इज द नूंक, इट्स कैपिटल इज द नूंक। इफ़ यू सर व्हाट इज द रिलीफ फीचर ऑफ द ग्रीनलैंड, इफ़ यू की रिलीफ फीचर्स कैसा है, वहाँ पहाड़ कैसा है, वहाँ मीन्स क्या चीज़ है, तो ग्रीनलैंड हैज ए माउंटेनियस सरफेस एंड ऑलमोस्ट द होल ऑफ द ग्रीनलैंड रिमेन्स कवर्ड विथ थिक लेयर ऑफ आइस कैप, और थिक लेयर ऑफ द आइस कॉल्ड द आइस कैप, कि अगर उसको देखेंगे ग्रीनलैंड को तो पूरी तरह से बर्फ से ढका हुआ है और जो थिक लेयर है मोटा लेयर है डैट इज नोन एज द आइस कैप, दैट इज नोन एज द आइस कैप एंड दिस आइस कैप इज क्वाइट थिक, थिक मीन्स दिस वन एंड इट इज़ अबाउट द 2 किलोमीटर डीप, 2 किलोमीटर गहरा तक है एंड हीट एज एन एरिया, इफ़ यू ऑब्जर्व द रिलीफ फीचर ऑफ द ग्रीनलैंड इट इज़ द 21 लाख स्क्वायर किलोमीटर, दीज आर द विच वन रिलीफ फीचर्स ऑफ द ग्रीनलैंड, इफ़ यू ऑब्जर्व दिस वन क्लियरली, सो दिस वन ओके हेयर इज द, दिस इज द हेयर इट इज़ मार्क इन द रेड वन बट इट इज एक्चुअली इज द लुकिंग वाइट एंड हु गिव द ग्रीनलैंड, ग्रीनलैंड मीन्स गेव द मीन्स अबाउट, इफ यू सी ऑब्जर्व द अबाउट द 2/3 ऑफ इट्स एरिया लाइज विद इन द आर्कटिक रीजन एंड एवरेज थिकनेस ऑफ आइस कवर इज द 1500 मीटर।
Now it now come to the hair topic again. So it is the capital. Capital is Nuuk, and Nuuk earlier name was the Gorthok. What was the earlier name of the Nuuk? It was the Gorthok. And who came first? So Erik was the first European who visited the Greenland and gave its name. कि एरिक जो था वो पहले बार आया था और इसने इसका नाम दिया. सो लुक एट द हेयर. नेक्स्ट इज द क्लाइमेट. व्हाट इज द क्लाइमेट ऑफ द ग्रीनलैंड? सिंस द आर्कटिक सर्किल पासेस थ्रू द साउदर्न पार्ट ऑफ द ग्रीनलैंड, इफ यू ऑब्जर्व दिस वन ग्रीनलैंड. सो आर्कटिक सर्किल मीन 66 एंड हाफ डिग्री नॉर्थ वन. इफ यू ऑब्जर्व हेयर, सो इट क्रॉस हेयर इज द साउदर्न पार्ट. हेयर इज द साउदर्न पार्ट ऑफ द ग्रीनलैंड. सो मीन्स the climate of the Greenland is extremely cold because it is the 66 and the 90 lies in the 66 and half degree north northern hemisphere to the 90 degrees. So it is the totally extremely cold, at its temperature rarely rises above the freezing point. So summers are cool and short. कि समर सर जो ठंडा होता है और शॉर्ट होता है. दिस जाता है कंटिन्यूस डे नाइट फ्यू वीक्स और ये चलता है. और विंटर जो है लॉन्ग है. व्हाट इज द कंडीशन ऑफ द विंटर? इज द लॉन्ग एंड bitterly cold and dark. जो विंटर होता है वो लंबा होता है और बहुत डार्क होता है. तो ये इसका यहाँ पर एरिया है. सो आर्कटिक सर्किल, व्हाट इज दिस आर्कटिक सर्किल? इफ यू ऑब्जर्व दिस वन, पासिस थ्रू द साउदर्न पार्ट ऑफ द ग्रीनलैंड, कि ग्रीनलैंड का साउदर्न पार्ट से ये क्रॉस करता है. नाउ इट लाइज इन द फ्रीज जोन इन द नॉर्थन हेमिस्फीयर, कि नॉर्थन हेमिस्फीयर का फ्रीज जोन में आता है, कवर करता है. सो दिस एरिया इज नोन एज द दिस वन. नाउ लुक एट द हेयर, द दिस रीजन इज ऑल्सो नोन एज द टुंड्रा रीजन. जैसे हम बताया कि व्हाट इज नोन एज द टुंड्रा रीजन, टुंड्रा रीजन क्यों कहा जाता है? कि टुंड्रा में बताया कि इट इज़ द एरिया ऑफ द आर्कटिक ओशियन, इट इज़ द ट्रीलेस एरिया एंड 80% ऑफ द लैंड इज ऑलवेज कवर्ड विथ आइस. कि 80% जो इसका लैंड है वो कवर आइस है, जैसे बता दिया. और आइसबर्ग, व्हाट इज आइसबर्ग? तो आइसबर्ग्स आर द ह्यूज पीसेस ऑफ आइस दैट फ्रीक्वेंटली ब्रेक अप ऑफ द फ्लोट ऑन द सी. कि आइसबर्ग जो है वो समुद्र में तैरते रहता है. नाउ साउदर्न वेस्टर्न कोस्ट, वार्मेस्ट पार्ट ऑफ द कंट्री वेयर द मोस्ट ऑफ द पीपुल लिव. कि साउथ वेस्टर्न, व्हाट इज द साउथ वेस्टर्न? इफ यू ऑब्जर्व दिस वन साउथ वेस्टर्न, सो दिस इज द साउथ वेस्टर्न पार्ट बिकॉज हेयर इज दैट मोर फ्रीजर देन, बट मैक्सिमम पीपल लिव्ड हेयर. सो वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ, व्हाट आर द वेजिटेशन? तो सीन्स ग्रीनलैंड इज मोस्टली कवर विद द स्नो, कि वो स्नो से कवर है. सो नथिंग ग्रोस हेयर, नो क्रॉप नो फॉरेस्ट, कि ना ही क्रॉप्स है ना ही फॉरेस्ट है. बट सम प्लांट्स कैन बी सीन इन समर सीजन, जैसे लाइक स्लेज कॉटन ग्रास, जैसे स्लेज सेज कॉटन ग्रास एंड लीचेंस. लीचेंस मीन्स इट इज़ द ट्रीलेस एरिया. लीचेंस यू मीन्स है द वाटर लीचेंस. सो लो ग्रोइंग प्लांट लाइक लिविंग थिंग्स मेड अप ऑफ द फंगस, कि फंगस से बना होता है, एंड डैट ग्रो ऑन द रॉक्स एंड सम मॉसेस ऑल्सो एयर, मीन्स स्मॉल फ्लावरलेस प्लांट्स फॉर्मिंग डेंस ग्रोथ इन द मोस्ट ग्राउंड्स. मोस्ट ग्राउंड दिस इज नोन एज द दिस वन. सो एनिमल डैट आर फाउंड एयर इज द एडेप्टेड विद द स्टैंड एक्सट्रीमली कोल्ड, पोलर बियर, रेन डियर. सो रेन डियर, हाउ डू द रेन डियर लुक एयर? लुक एट एयर, दिस इज द मीन्स द डॉग्स दो आर द इट इज यूजिंग द स्लेज ईटिंग यूजिंग द स्लेज. दिस इज अ पिक्चर ऑफ स्लेज and this is a book, actually it is book and it is polar bear and it is means a nature and the wildlife coins of the Greenland and it was written with the Penny Cogenius. So it is one book, it is a picture is the polar bear, it is a picture of the reindeer, discuss with the reindeer, and it is a picture of the igloo. It is igloo and people are residing this. It is means the made up of the ice and people are the living inside there. So now come to the topic again. People, the original people of the Greenland are called the Eskimo. Eskimos, कि जो वहाँ के main inhabitants हैं, they are known as the Eskimos. And Inuit somewhere, they were hunter, वो शिकारी है. They are nomads, वो खाना बदल से एक जगह रहते नहीं है, वो एक जगह से दूसरे जगह घूमते रहते हैं. So nomads are people who roam around the throughout the year, कि पूरे साल में घूमते. They used animal fur, जैसे जानवर का खाल पहन लेते हैं, या जो फर होता है मैंने जो ऊनी जिसे बनते हैं, जो मैंने रोवा जिसको होता है, स्किन टू मेक क्लॉथ और उससे कपड़ा बनाते हैं. एंड यूज्ड एनिमल्स लुक एट दिस वन, दिस इज द कॉटन, दिस वन यूज्ड दिस क्लॉथ, लुक एट देयर, दे आर मेड ऑफ द एनिमल स्किन एंड द विच वन यू मे से द फर.
For transport on land, they use the sledges. I already showed here the sledges in the picture. Sledges, these are the sledges. Look at there, this is the sledges. They are pulled by the dog. Pulled by the dog. ये dog से खींचा जाता है. Pulled by the dog and water, they travel on the kayak. What is igloo? Just it is a temporary of the eskimos which were built for the from the block of ice. Look at here, it is block of ice eskimo. This is a picture of the eskimo igloo. This is a picture of the igloo. So means you understand this one actually. So now look at here the puraks means warm jacket. Garam jacket hota hai, with wood se bana tha, that are hind lined with the fur. So total population of Greenland is the 15,500 hota hai. Aur dusra jo city hai jiska administrative city also known as ye Hall Stensberg. Agriculture industry, fish processing is the major industry in the Greenland, and apart from that a small number of sheep are raised in the southern western coast. Ki yahan par jo सीप में जो फिशिंग मेन एरिया है, मेन इसका जो ऑक्यूपेशंस है, और बहुत सारा भेड़ भी पाला जाता है. लेकिन साउथ वेस्टर्न कोस्ट में जहाँ आप दिखाए कि जो 66.5 डिग्री नॉर्थ में था, स्मॉल पार्ट ऑफ लैंड विच इज सूटेबल फॉर द फार्मिंग एंड यूज फॉर द ग्रो वेजिटेबल्स. सो अगर इसका एक और वीडियो अपलोड करें क्वेश्चन आंसर का. सो थैंक यू.